धक्का क्यों मार दे? ओ यार क्या बस एक समय था जब यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स के प्रति उदासीनता थी। हमने बचपन से लगातार वो कहावत सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और इस कहावत को इतना दोहराया गया कि एक प्रकार से मानसिकता बन गई। मैंने भी बड़ी कोशिश की कि आखिर ये क्यों कहा गया, इसको जानने की, किसने लिखा, कब लिखा, लेकिन मैं उसका सही सही जवाब नहीं खोज पाया। उस दौरान मुझे जानकारी जरूर हुई कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मानसिकता को चैलेंज करने के 10 साल पहले कुछ अध्ययन किए, लेकिन उन्हें भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। मैं मानता हूं कि हमारे देश में बड़ा बदलाव भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है और उस मानसिकता को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बजाय करिकुलम का अभिन्न हिस्सा माना गया है। जिस प्रकार आज फ्यूचरिस्टिक कैरियर लेकर एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें युवाओं के सामने सिर्फ सीखने की चुनौती नहीं बल्कि उससे बड़ी चुनौती है कैसे सीखें। आज ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताब विद्यार्थी याद कर ले, उसके पास कंटेंट का बड़ा भारी खजाना हो। आज जरूरत इस बात की है कि किस तरह से एक नौजवान या विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है।